गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट मैथ्स 10th क्लास। फर्स्टली आई डिस्कस विद यू ऑल सिलेबस। द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 7 यूनिट्स एंड द टोटल चैप्टर इन मैथ्स बुक इज 15। आपकी मैथ बुक में टोटल 15 चैप्टर हैं जो 7 यूनिट्स में डिवाइड हैं और उनके मार्क्स भी अलग अलग डिवाइड हैं। फर्स्टली हम वो डिस्कस करेंगे कि आपकी कितनी यूनिट कितने मार्क्स की है, देन आई डिस्कस चैप्टर। यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम जो 6 मार्क्स की है, इसमें सिर्फ आपका एक चैप्टर इंक्लूड है, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर। देन यूनिट सेकंड अलजेब्रा, ये आपका 20 मार्क्स का आएगा। आपका जो टोटल एग्ज़ाम पेपर बोर्ड की तरफ से आता है वो आपका 80 मार्क्स का आता है, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग मार्क्स में डिवाइड किए गए हैं। यूनिट सेकंड में आपका फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा और ये 6 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा यूनिट 4 ज्योमेट्री जो 15 मार्क्स की आएगी, उसमें आपका आएगा ट्रायंगल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस। देन यूनिट 5 में आएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स की आएगी। इसमें आपके 3 चैप्टर आएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। देन यूनिट 6 मेंसुरेशन, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। इसमें आपके 2 चैप्टर इंक्लूड होंगे, फर्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेकंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देन लास्ट यूनिट 7th यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपकी 11 मार्क्स की आएगी। इसमें भी 2 चैप्टर इंक्लूड होंगे, फर्स्ट स्टैटिक्स एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। चैप्टर फर्स्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज चैप्टर 2, 3 एंड 4 आर सेम एंड द बेसिक विल बी एंड द बेसिक इंक्लूड इन दिस चैप्टर्स ऑल मैथ। चैप्टर 2, 3 एंड 4, चैप्टर 2 का नेम होगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स में एक्स होगा, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल्स इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपकी डिग्री होगी। डिग्री मतलब कि हम कैसे बताएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है। फर्स्ट डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x-3, मतलब यहाँ पे 2x की पावर 1 है, इसमें बिगेस्ट पावर क्या है 1, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। √3-5, इसमें बिगेस्ट पावर x की 1, इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। y+2, y की बिगेस्ट पावर 1, लीनियर पॉलिनोमियल। x-2/11, इसमें भी सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसे ही हम आगे जितने भी हम इक्वेशंस एग्जांपल में लिखेंगे जिनकी बिगेस्ट पावर 1 होगी उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमारे पास इसमें मेन है, हमारा पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक के ऊपर ही डिपेंड है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जिसकी बड़ी पावर 2 होगी, डिग्री पावर 2 होगी, जैसे y²-2, इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, जैसे 2u²+5, इसमें भी बड़ी पावर 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। x²+2x+3, इसमें 2 पावर हैं, एक तो 2 है एक 1 है, लेकिन बड़ी कौन सी है, बड़ी है 2, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। ऐसे ही 4z²+1/7। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिग्री 3। डिग्री 3 को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले तो जिसमें एक्स की पावर 3 होगी, ठीक है, बिगेस्ट पावर 3। 2-x³,
थ्री माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब, इसमें भी टू है, एक्स क्यूब है और एक्स स्केयर भी है, लेकिन बिगेस्ट है थ्री, इसलिए हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर का बेसिक था स्टूडेंट। मेरा आपको सेकंड चैप्टर फर्स्ट सबसे पहले समझाने का क्या मेरा क्या मोटिव है कि हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर से, जिससे आपको इजीली थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी समझ आएगा। आपका जो टेंथ क्लास का मैथ है 50-60% क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही डिपेंड है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, पेज नेक्स्ट। एक्सरसाइज 2.1 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2.1 में क्या, 2.2, 3, 4 जितने भी एक्सरसाइज हैं सब में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही यूज होगा। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब हमारा आप अपनी मैथ्स की बुक खोलोगे तो आपका 2.1 में 6 ग्राफ बने हुए हैं। हमें उस ग्राफ को देख के फाइंड आउट करना है कि ज़ीरोज़ कितने हैं, पी एक्स के ज़ीरोज़ कितने हैं ग्राफ को देख के। अब हम कैसे काउंट करेंगे ग्राफ को देख के कि हमारे ज़ीरोज़ कितने हैं। फर्स्ट ग्राफ आपकी बुक में इस टाइप का बना हुआ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इधर एक्स प्लस का होता है, इधर माइनस का, इधर वाई प्लस का होगा, इधर माइनस का। ठीक है, अब हम कैसे काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक वो किस फॉर्म में है, वो हमारा एक्स की फॉर्म में है, इसलिए जो एक्स एक्सिस पे हमें सिर्फ क्या काउंट करना है, ये आप बात मेरी ध्यान से सुनोगे, हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है उस पे ग्राफ वाली लाइन कितनी बार टच कर रही है। हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है, हमें वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस से ग्राफ वाली लाइन कितने टाइम्स टच कर रही है और वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट ग्राफ में आप देखोगे कि एक्स एक्सिस से ग्राफ वाली लाइन एक बार भी टच नहीं कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सेकेंड आपकी बुक में इस टाइप का बना हुआ है, इस टाइप का क्या है देखो, ये यहाँ से ऐसे एक्स एक्सिस पे ये लाइन वन टाइम टच कर रही है, और वन टाइम कहाँ टच कर रही है वो आपको मैं बताऊँ, वन टाइम टच कर रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज कितने होंगे, वन, हम ऐसे देखेंगे। अब आई थर्ड में आप देखोगे ये एक्स एक्सिस है, इस पे कितने टाइम टच करेगी, 1, 2, 3 थ्री टाइम्स टच कर रही है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज होंगे 3। ये आपके एग्ज़ाम में चाहे CBSE बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपके एग्ज़ाम में 2.1 में से ये ग्राफ वाला 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब फोर्थ में एक्स एक्सिस वाली लाइन में कितने बार टच कर रही है, 2 बार टच कर रही है, 2 बार करेगी तो नंबर ऑफ ज़ीरोज कितने होंगे, 2। देन नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपकी एक्स एक्सिस पे आपकी ग्राफ वाली लाइन 1, 2, 3, 4 टच कर रही है 4 टाइम, तो नंबर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 4, आंसर क्या होगा, 4। देन सिक्स्थ में आपकी कैसे टच कर रही है, 1, 2 देखो यहाँ पे 1, 2, 3 थ्री टाइम्स टच कर रही है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो इज 3। ये हमारा था सिर्फ 2.1 में इतना ही था। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने अब तक पॉलिनोमियल्स आपके साथ डिस्कस किया। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसमें बिगेस्ट पावर 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसमें बिगेस्ट पावर 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसमें बिगेस्ट पावर 3 होगी उसमें उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हमने क्या डिस्कस किया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बाय ग्राफ से हम कैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। हमने आपको ये कहा कि सिर्फ हमें हम किससे रिलेटेड हैं, सिर्फ हम एक्स एक्सिस से रिलेटेड हैं, सिर्फ हमको क्या देखना है कि हमारी एक्स एक्सिस पे ग्राफ वाली लाइन कितनी बार टच कर रही है, अदरवाइज़ इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। ठीक है, फर्स्ट में
एक बार भी टच नहीं कर रही है तो इसका नंबर आएगा ज़ीरो, सेकंड में वन टाइम तो वन, थर्ड में नंबर ऑफ ज़ीरोज आएंगे थ्री, क्योंकि थ्री टाइम टच कर रही है। ऐसे ही मोस्टली आप अपना एग्जांपल्स भी किया करो, 2.1 के जो एग्जांपल हैं वो इसी टाइप के हैं, वो भी किया करो, क्योंकि सीबीएसई का क्या है, मोस्टली एग्ज़ाम में एग्जांपल ही देता है मोस्टली, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं लेकिन एग्जांपल नहीं करते, एग्जांपल्स आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप एग्जांपल पे भी ध्यान दिया करो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन ही हैं। अब हमारा ये डिस्कस हो चुका है 2.1, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट में मेरे को डिस्कस कर सकते हो, अगर आपको कोई लाइन कोई टॉपिक यहाँ तक समझ